أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आए हुए तमाम मेहमानों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद के बोलता हूँ मैं आप सब। इस तकरीब का आगाज कलाम पाक से शुरू करते हैं। कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद सज्जाद अतारी साहब को कि वो आए हो तलाब بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين वसीला फाउंडेशन आईटी सेंटर और पार्क की जो इफ्तिताही तकरीब है उसका बाकायदगी से आगाज करते हैं। मैं स्टेज पे दावत दूंगा एजाज भाई को कि वो स्टेज पे आए और उसके बाद मैं करीम भाई को दावत दूंगा ट्रेवलर से जो आए हैं वो स्टेज पे आए और आज की पुर रौनक और पुरवकार तकरीब का आगाज हो चुका है। अगर हम देखें तो वसीला वेलफेयर फाउंडेशन की जो एक ही साल हुआ है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। उसके बाद सबसे ये जो आज है जो आपके सामने है ये भी आईटी प्रोग्राम है विजन के लिए है और जाहिर पार्किंग का प्रोग्राम है यहाँ पर करने का, तो इससे भी काफ़ी वो हमारा वेलफेयर शुरू होता है।
डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल में मैं सबसे पहले राशिद भाई को दावत दूंगा कि वो वेलकम एड्रेस भी कहें और वेलफेयर वसीला फाउंडेशन के बारे में कुछ अगर मुकासिब बताएं। तो मैं ख्याल ताली की गूंज में आप राशिद भाई को दावत देंगे। राशिद भाई खान बुरा आ हाजरीन को और तमाम सपोर्टर्स को मेरा और तमाम मेहमान खुसूसी जनाब आसिफ अली मेहमान साहब डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद SSCPSU क्या बनता है शबीर जान सरंदी साहब नहीं डेजिग्नेशन सर मैं भूल गया हूँ आपका SSP पीर शबीर जान सरंदी साहब एजाज भाई कर्नल हामिद खानदार साहब करीम भाई नवाब खानदार भाई और इमदाद सुमरोड डिप्टी सेक्रेटरी CM उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इस तकरीब का करने का मकसद तो आपके सामने है कि हमने दो प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए हैं। एक प्रोजेक्ट का नाम है जन्नत कदीर बाग जन्नत कदीर खानजादा और दूसरा है IT एंड वोकेशनल सेंटर। हमारा इस पार्क को बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि ये कोई ग्रीन पार्क होगा और यहाँ पे कोई ग्रास लग जाएगी और बच्चे उसमें या फैमिलीज उसमें बैठेंगी या उसमें बैठ के अपना टाइम वेस्ट करेंगी। हमने इस टाइम को भी कीमती बनाने के लिए उसी जगह पर एक IT और वोकेशनल सेंटर भी कायम करने का मंसूबा बनाया है और इसको आगे जाके इंशाल्लाह जब यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो एक बहुत अच्छा मरकज हो जाएगा और इस इर्द गिर्द में और जो नीचे गोट हैं वो भी इसका फायदा उठाएंगे, जो गरीब लोग हैं यहाँ के वो भी उसको फायदा उठाएंगे क्योंकि प्योरली वेलफेयर बेसिस के ऊपर होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट पे होगा। तो इस तरह हमारी जो बेरोजगार गरीब बच्चे बच्चियां हैं वो कंप्यूटर भी सीख सकेंगे और लड़कियां सिलाई कढ़ाई भी सीख सकेंगी और दूसरे हुनर भी यहाँ पे सीख सकेंगे। तो ये एक मतलब इसकी एक बहुत सी सोच है जो इसके पीछे कारफर्मा है। ये एक पार्क नहीं है, इसके पीछे एक पूरा वेलफेयर मकसद है और इंशाल्लाह ये एक इंशाल्लाह दुनिया देखेगी इसको। ये मेरी वालदा के नाम से और मैं अपनी वालदा के नाम को इज्जत बख्शने के लिए इसको स्टेट ऑफ द आर्ट इंशाल्लाह पार्क बनाऊंगा। दो के जगह बहुत छोटी है, मेरे ख्याल में 2000 गज के करीब जगह है, लेकिन इस जगह को हम इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि दुनिया देखेगी कि प्राइवेट सेक्टर में मेरे ख्याल में राउंड अबाउट और दूसरे चौराहे वगैरह तो प्राइवेट सेक्टर में बनते रहे, टच भी होता रहेंगे, लेकिन पार्क मेरे ख्याल में पहला प्राइवेट सेक्टर बनने जा रहा है जो किसी मतलब अपनी मदद आपके तहत बनने जा रहा है। बाकी गवर्नमेंट बनाती है पार्क, तो गवर्नमेंट का ये फंक्शन होता है कि वो पार्क वगैरह की फैसिलिटी आवाम को दे। तो ये एक पहला मेरे ख्याल में बारिश का पहला कतरा साबित होगा, इससे एक रीत बनेगी और इंशाल्लाह आगे जाके लोग और भी लोग इंशाल्लाह आगे आएंगे और इस तरह से जो गवर्नमेंट की इस तरह के पार्क की जगह हैं, स्कूल्स की जगह हैं, वो वेलफेयर में इस्तेमाल करने लगेंगे और अपने वालदेन के लिए अपने प्यारों के लिए सदका जारिया का बाइस बनेंगे। हमें हर एक को ये चाहिए कि अपने प्यारों के नाम से, अपने वालदेन के नाम से, अपने बहन भाइयों के नाम से जो दुनिया में नहीं रहे उनके लिए ऐसी जगहों को चूज करें, गवर्नमेंट से बात करें। गवर्नमेंट की जगह पास ऐसी जगह फालतू पड़ी हुई है, कोई उसकी टेक केयर नहीं है, तो इस तरह दुनिया को भी फैसिलिटी मिलेगी, गरीबों का भी भला होगा और वो जगह अच्छी बन सकेंगी। जो बनाने वाले डोनर्स हैं उनके लिए भी सबका जारिया का ये बाइस बन सकेगा। तो ये एक मेरे ख्याल में एक पहला शहर में हैदराबाद में ऐसा ट्रेंड कायम होने जा रहा है जिसके लिए इस मोहल्ले वाले खासतौर पर बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं खासतौर पर कहूंगा कि दिन रात बेचारों ने मजदूरों के साथ मिलकर खुद भी काम किया, जैसे कलीम भाई हैं, नदीम भाई हैं, शकील खान हैं, फराज खान हैं, नवाज खान हैं, परवेज भाई हैं, वाहिद हैं, नुमान हैं, जुनेद हैं, जाहिद हैं, गुलाम रसूल हैं, आरिफ खान हैं, फरीद मामू हैं, ताज मोहम्मद